लेक्चर नंबर थ्री जो है वो डिजिटल मार्केटिंग रिसर्च और प्लानिंग के बारे में अब रिसर्च जो है वो हमारी ज़िंदगी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है ज़रूरी नहीं है कि जब आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं या मार्केटिंग सर्च कर रहे हैं तो उसी टाइम रिसर्च का रोल आता है अगर आप अपनी ज़िंदगी को या लाइफ को भी देखें तो हमारी ज़िंदगी में बेतहाशा ऐसे पॉइंट्स आते हैं कि जिसके अंदर हम रिसर्च का सहारा लेते हैं रिसर्च को यूज़ करते हैं और उसकी बेस के ऊपर अपनी डिसीजन मेकिंग करते हैं अब रिसर्च का मेन ऑब्जेक्टिव तो यही होता है कि आपने डेटा कलेक्ट करना है डेटा कलेक्ट करने के बाद आपको इनसाइट्स मिलेंगी और इनसाइट्स मिलने के बाद आप उसकी बेस पे अपना फ्यूचर की जो डायरेक्शन है उसको सेट करते हैं तो वो पर्सनल लाइफ के अंदर आपकी रिसर्च कर रहे हैं आप या किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिसर्च करें लेकिन मेन पर्पज़ आपका यही है इन ऑर्डर टू फाइंड दी इनसाइट्स अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं पर्सनल जिंदगी की एग्जाम्पल दूँ तो आप हमारी ज़िंदगी का एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो रिसर्च प्रोजेक्ट है वो होता है कि जब आप यूजली शादी कर रहे होते हैं या जब आप किसी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले रहे होते हैं या आप किसी स्कूल में एडमिशन ले रहे होते हैं उसमें आप ये देखते हैं डिफरेंट तो सोर्सेज से कि स्कूल कैसा है जब आपने गाड़ी खरीदनी है तो आप डिफरेंट तो सोस से देख रहे होते हैं कि ये गाड़ी कैसी है उसके रिव्यूज़ पढ़ रहे होते हैं सेम इज़ द केस विद एनी अदर हाई इन्वॉलमेंट परचेज और शादी की इस वजह से मैं बिहाइंड एग्जाम्पल दे रहा हूँ बिकॉज दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट ऑफ वन लाइफ और उसके अंदर रिसर्च का बहुत बड़ा रोल है साउथ ईस्ट साउथ एशिया के अंदर स्पेशली जब आप शादी करते हैं तो आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं फॉर अनदर पर्सन वो किस तरीके से की जाती है कुछ इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करते हैं फ्राम डायरेक्ट सोर्सेज जैसे उनके फ्रेंड्स हैं uh, इसी तरीके से उनके कोलीग्स हैं जहाँ वो जॉब करते हैं काम करते हैं कुछ सोर्सेज है वो आप जो है वो आपको उनके फैमिली से मिल जाते हैं जो आपको बता रहे होते हैं कि ये बंदा किस तरीके का है सोशल मीडिया रिसर्च इज़ नाउ ऑल्सो कोर्स बिकमिंग वेरी इंपॉर्टेंट इवन इन दिस केस ऑल्सो शादी का केस है उसमें सोशल मीडिया रिसर्च भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल इख्तियार कर गई है वो किस तरीके से आप देखते हैं लिंकड के ऊपर उसका प्रोफाइल कैसा है फेसबुक पर प्रोफाइल कैसा है इंस्टाग्राम पे टिकटॉक पे एंड ऑल दी अदर मेजर प्लेटफॉर्म्स ऑफ सोशल मीडिया यू चेक दी प्रोफाइल ऑफ़ दैट परसन एंड देन ऑन द बेस ऑफ देट यू मेक यू फाइनल डिसीजन पर आप घर जाते हैं बात करते हैं और एंड सो ऑन इट ऑन ये every, everyone, course, um, जब डिजिटल मार्किटिंग की हम बात करें जेनरिक मार्केटिंग की बात करें तो हमें जहन में रखना है कि कोई भी डिसीजन जब एक कंपनी एक अच्छी कंपनी ले रही होती है तो वो रेंडम नहीं होता फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको यहाँ एक पिक्चर दिखा रहा हूँ अब जो तो उर्दू जानते हैं पढ़ना उनको तो पता ही क्या चीज़ है स्पेशली जो लोग पाकिस्तान से हैं दे कैन ऑल्सो रिलेट कि कौन सा ब्रांड है uh, लेकिन जो लोग उर्दू नहीं जानते और ये मेरा लेक्चर सुन रहे हैं दिस इज़ एक्चुअली ए फाइजा ब्यूटी क्रीम फाइजा इज़ द नेम ऑफ द ब्रांड एंड ब्यूटी क्रीम इज़ अ टाइप ऑफ द प्रोडक्ट ये उसकी पिक्चर है उसकी पैकेजिंग की पिक्चर है uh, अंदर की पैकेजिंग भी और एक्सटर्नल पैकेजिंग भी अब आप अगर आप इसको देखें तो दे सेल एंड बाय द वे दे सेल लॉड ऑफ़ प्रोडक्ट्स beauty ब्यूटी क्रीम इट्स fairness फेयरनेस क्रीम साउथ एशियन पीपल दे आर वेरी वेल अवेयर ऑफ फेयरनेस क्रीम का मतलब क्या होता है हमारे यहाँ ज़्यादातर जो पॉपुलर uh, ब्रांड है उसमें अगर हम देखें तो फेयर एंड लवली इज़ वन ऑफ़ द मोस्ट पॉपुलर ब्रांड लेकिन पाकिस्तान में फाइजा ब्यूटी क्रीम हैज़ मोर मार्केट शेयर एज़ कम्पेयर टू फेयर एंड लवली अब उसकी कोई भी रीजन हो सकती हैं उसके पीछे लेकिन हम उसकी डिटेल में नहीं जाते अब हम कंज्यूम बिहेवियर का जब चैप्टर पढ़ेंगे उसके अंदर हम देखेंगे कि वट आर द रीज़न्स बिहाइंड वंस डिसीजन लेकिन अगर मैं इधर पैकेजिंग की बात करूँ तो अगर आप गौर से पैकेजिंग को देखें तो एक तो उर्दू के अंदर पैकेजिंग लिखी हुई है एंड बाय द वे दिस इज़ नॉट रैंडम ये जहन में आपने रखना है उर्दू में पैकेजिंग है इसकी इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की uh, उसके बाद अगर आप सेकंड uh, चीज़ जो मैं आपको जिसके ऊपर गौर दिलवाना चाहता हूँ वो ये कि जो वुमेन uh, मॉडल की पिक्चर लगी हुई है She is not from South Asia. She is not Indian. She is not Pakistani. Uh, she is certainly not uh, from Bangladesh. She looks like a uh, Chinese person. Now, what is the reason that a particular brand a Chinese shackle in its main packaging? Pe. Why they are using maroon color? Uh, why they are using Urdu as the language, as the primary language of the packaging? And why this packaging is like this? देर इज़ ए रीज़न देर हैज़ टू बी अ रीज़न बिहड इट और ये uh, जो ब्रांड है हमें से कुछ लोग ये समझ रहे होंगे कि दिस इज़ ए वेरी स्मॉल शॉप टाइप ब्रांड दे सर्कुलेट द मैक्म अमाउंट ऑफ ब्यूटी क्रीम्स इन पाकिस्तान और इनके जो रेवेन्यूज़ हैं वो ज़ाहरी सी बात है वेन यू आर सेलिंग ए ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट रेवनीूज़ भी सबसे uh, और जो प्रॉफिट है वो भी ज़ाहरी सी बात है सबसे ज़्यादा होता है तो इस पर्टिकुलर पिक्चर को देखने के बाद आप ज़रा फाइंड आउट करें ये सोचें कि क्या रीज़न्स हो सकती हैं महरून कलर यूज़ करने की क्या रीज़न हो सकती हैं इस पर्टिकुलर मॉडल का चेहरा यूज़ करने के लिए और इसके पीछे उनकी एक अपनी रिसर्च इन्वॉल्व है अब रिसर्च के अंदर क्या उनको पता लगा वाई एंड लेट्स हैव अ लुक एट अनदर थिंग अभी जब मैं पिक्चर देख रहा हूँ तो मुझे एक और चीज़ नज़र आई है कि एट द कैप ये जो कैप यहाँ बनी हुई है इस कैप पर अगर आप देखें तो ये वही नंबर लिखा हुआ है जो टॉप के ऊपर पैकेजिंग पे भी लिखा हुआ है विच इज़ प्रोबेबली ए कोड ऑफ दिस पर्टिकुलर पैकेट आई एम इज्यूमिंग वाई आर दे पुटिंग द कोड ऑफ दैट पर्टिकुलर पैकेट ऑन द कैप ऑफ दैट पर्टिकुलर क्रीम तो इसका मतलब है कि दे आर स्पेंडिंग सम मनी कि जो भी वो प्रिंट uh, कर रहे हैं उसके अंदर वो हर पैकेट के ऊपर या हर डब्बे के ऊपर एक डिफरेंट कोड लिख रहे हैं और डिफरेंट कोड ही uh, उस क्रीम के ऊपर uh, कैप के ऊपर भी लिख रहे हैं तो वाई आर द वट आर द रीजन बिहाइंड देर हैज़ टू बी ए रीज़न देर आर रीजन और यही वो रीज़न् जो आपको रिसर्च से पता लगती हैं uh, जब आप रिसर्च करते हैं तो यू फाइंड आउट के वी हैव टू यूज़ दिस कलर वी हैव टू यूज़ सच मॉडल हमें ये काम करना है हमें ये काम नहीं करना इफ़ आई हैव टू एज्यूम तो ये जो नंबर अगर मैं क्विकली एक एग्जाम्पल दूँ तो ये जो नंबर उन्होंने लिखा हुआ है कैप के ऊपर और सेम नंबर इज़ ऑन द बॉक्स विच इज़ प्रोबेबली द कोड मे बी इट इज़ बिकॉज के देर आर काउंटर फिट आइटम्स इन द मार्केट ऑल्सो नकली फायज़ा ब्यूटी क्रीम भी लोग बना रहे हैं और उसको बना के बेच रहे हैं तो उसको काउंटर करने के लिए दे हैव इंसर्टेड अ कोड ताकि किसी को अगर कोई शक है कि ये नकली है या असली ब्यूटी क्रीम है तो दे कैन चेक इट विद अ कोड कि वो पर्टिकुलर जो पैकेट उन्होंने खरीदा वो असली है या नकली है और इसी तरीके से बाकी भी जो चीज़ें इसके ऊपर लिखी हुई हैं उसको फाइंड आउट करें और फाइंड आउट करके ज़रा कॉमेंट सेक्शन में लिखें कि आपको क्या लगता है

क्वालिटेटिव के अंदर आप वर्ड्स की फॉर्म में सेंटेंसेस की फॉर्म के अंदर डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा होता है प्राइमरी जो आपने ख़ुद डाटा कलेक्ट किया सेकेंडरी जो आप किसी दूसरे सोर्स से ले रहे होते हैं जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर आपने एशियन डेवलपमेंट बैंक का डाटा ले रहे हैं कि कितने लोग किसी कंट्री में इंटरनेट यूज़ करते हैं तो दैट इज़ अ सेकेंडरी डाटा अगर सेम डेटा आप कलेक्ट कर रहे हैं ऑन योर ओन थ्रू सर्वे फॉर एग्जाम्पल या इंटरव्यूज़ तो दैट इज़ कॉल्ड अ प्राइमरी डाटा आप सैम्पलिंग करते हैं सैम्पलिंग का मतलब जो है वो आप जाहिर सी बात है अगर एक, एक, एक शहर के अंदर दो करोड़ लोग रहते हैं तो आप दो करोड़ के दो करोड़ लोगों का तो डाटा कलेक्ट नहीं कर सकते सो वट यू विल डू यू विल डू सैम्पलिंग आप उसका एक छोटा सैंपल सेलेक्ट कर लेते हैं एंड देन यू एज्यूम के दिस सैम्पल रिप्रेजेंट्स द होल पॉपुलेशन डिफरेंट टूल्स हैं हमारे पास सर्वे का टूल होता है इंटरव्यूज़ हैं फोकस ग्रुप्स हैं ये जेनेरिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम ट्रेडिशनली मार्केटिंग रिसर्च में पढ़ते हुए आ रहे हैं अब जब हम ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं तो हमने ये देखना है कि क्या कोई डिफरेंट टूल्स हैं ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग में जो यूज़ होते हैं और जो मार्केट यूज़ कर रहे हैं इन ऑर्डर टू गैदर डाटा एंड फाइंड दी इन ऑफ ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम अब ये सेठ साहब दोबारा वापस आ गए क्यों सेठ साहब इसे वापस आए हैं क्योंकि भाई जब आपने रिसर्च करनी है तो पैसे किससे लेने सेठ साहब से ही लेने हैं ना अब सेठ साहब कह रहे हैं कि नहीं देता मैं पैसे अच्छा भाई सेठ साहब आप क्यों नहीं देते पैसे वो कहते हैं कि जी पिछली बार या चलें मैं इस इधर से पढ़ देता हूँ कि वही पुरानी बातें पिछली बार मेरे पैसों से रिसर्च नहीं हुई बल्कि कसूर की मछली खाई थी मतलब कि आपने रिसर्च के पैसे ले लिए एक टिपिकल प्रॉब्लम ऑर्गेनाइजेशन में कि रिसर्च के पैसे आपने ले लिए फंड्स में से सेठ साहब के पैसे लग गए आपने उनको बड़े बड़े प्रामिसज़ कर दिए कि हमें ये फाइंड आउट करेंगे ये फाइंड आउट करेंगे और आपने किया क्या है कि आप कसूर एक शहर है लाहौर के करीब उनकी मछली बड़ी मशहूर है फ़िश सो यू वेंट देयर यू एट देयर फ़िश और इन्जॉय किया सारा दिन और शाम को जब आप घर आए हैं तो आपने वो सर्वे फॉर्म्स खुद ही फिल करके और उसकी बेस पे डिसीजन मेकिंग कर ली दिस इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम इन ऑर्गेनाइजेशंस दे डू नॉट कलेक्ट मीनिंगफुल डाटा और सेठ साहब कहते हैं कि मैंने पैसे नहीं देने इस बार जॉब जो, जो तुम कर सकते हो वो करो तो आप कैसे सेठ साहब को कन्विंस करेंगे कि नहीं नहीं मैं इस बार कसूर की मछली नहीं खाऊंगा या आ, दिन के टाइम भटूरे नहीं खाऊंगा आई एम गोइंग टू स्पेंड दैट मनी ऑन रिसर्च बिकॉज ऑफ सर्टन रीजनस और क्यों हमें इस ऑर्गेनाइजेशन में सेठ साहब ये रिसर्च करनी ज़रूरी है आई ज़रा थोड़ी सी उन रीज़न्स के ऊपर नजर डालते हैं इंटरनेट इज़ बिल्ड फॉर रिसर्च अब एक तो तरीका ये है कि आप सेठ साहब से पैसे लें और उनको पूरा कन्विंस करें कि जी हम ऐसे कर लेंगे हम ऐसे कर लेंगे जो आपसे पहले जिसने मछली खाई थी उसने किया था और पैसे लेके भाग गया था दूसरी चीज़ ये है कि आप सेठ साहब को बताएँगे सेठ साहब आपके कोई बहुत ज़्यादा पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है आप क्योंकि इंटरनेट जो हम यूज़ करते हैं रोज़मर जिंदगी के अंदर वो एक्चुअली रिसर्च के लिए ही बना गया है कुछ फॉर्मल रिसर्च है और कुछ फॉर्मल रिसर्च नहीं है कैसे अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ये इस तरह की पिक्चर अक्सर वेबसाइट्स पर देखी होगी अब ये वाला जो स्क्रीन है वो मैंने अमेजोन से लिया है लेकिन अगर आप डिफरेंट अपने मुल्क के अंदर जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं कॉमर्स के लिए आ या किसी भी चीज़ को परचेस करने के लिए जैसे दराज़ डॉट पी के है अली बाबा डॉट कॉम है अली एक्सप्रेस डॉट कॉम है ये अमेज़ोन डॉट कॉम है तो आप ये देखेंगे कि वहाँ आपको जब आप एक चीज़ ख़रीद रहे होते हैं तो बहुत सारी ऑप्शंस आपको अलग से नीचे भी नज़र आ रही होती हैं उसके टॉप टॉपिक क्या लिखा होता है कि पीपल हु बॉट दिस प्रोडक्ट जो आप देख रहे हैं ऊपर दे हैव ऑलो या देव ऑल्सो शोन इंटरेस्ट इन दीज प्रोडक्ट्स अब मुझे आप भी पहले सोच के बताएं कि अमेज़ॉन को कैसे ये पता है कि आ, मैं शायद इस बैग में भी इंटरेस्टेड हो सकता हूँ मैं इसमें भी हो सकता हूँ या मैं इसमें भी हो सकता हूँ हाउ डू दे नो इट क्या उन्होंने कोई सर्वे कंडक्ट किया क्या उन्होंने कोई सेट्स आपसे जो भी अमेज़ॉन का ऑनर है उससे पैसे ले के मछली भी खाई और ख़ुद सर्वे फिल करके उसकी बेस पर डिसीजन मेकिंग की या इफ़ देर इज़ सम एल्स गोइंग ऑन इन द बैकग्राउंड देर आर एल्गोरेथम्स जिसना फेसबुक आपको एडवर्टाइजमेंट दिखा रहा होता है जो आप सोच रहे होते हैं ना इसी तरीके से अमेजॉन भी ऑन दी बेसिस ऑफ थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ कस्टमर्स डाटा को कंपाइल कर रहा होता है बैकग्राउंड में और फिर उस डेटा को अप्लाई करके आपके सामने वो इन्फॉर्मेशन शो कर रहा होता है कि जो आप देखना चाहते हैं जिसको आप पसंद करेंगे तो आपसे पहले भी कोई खातून आई होंगी जिन्होंने गैस का बैग खरीदा और गैस के बैग खरीदने के बाद उनका दिल नहीं भरा तो उन्होंने कहा कि जी चले मैं एक और बैग ले लेती हूँ तो धन शी स्टार्टेड लुकिंग फॉर अनदर बैग और डाटा उस सारे का सारा अमेजोन कलेक्ट कर रहा होता है और फिर जो नेक्स्ट कस्टमर आता है उसके सामने उस डाटा को प्रजेंट कर रहा होता है एंड देट्स वाई ऐसे कि इंटरनेट इज़ बिल्ड फॉर रिसर्च कि कॉन्टिन्यूसली ट्वेंटी फोर सेवन इंटरनेट अपने तौर के ऊपर ब्रांड्स रिसर्च कर रहे हैं उस रिसर्च की बेस के ऊपर इनसाइट्स फाइंड आउट कर रहे हैं और उस इनसाइट की बेस के ऊपर डिसीजन मेकिंग करके कस्टमर के सामने वो इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं जो रेलिवेंट है और जिसकी बेस पर कस्टमर अपनी परचेजिंग कर, तो कर रहा होता है अब मीनिंगफुल रिसर्च कौन सी होती है डिजिटल मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एक तो जाहिर सी बात है वो रिसर्च है जिसमें कस्टमर्स बिजनेस को रिसर्च कर रहा होता है आप अमेजोन पे जाते हैं उसकी बिजनेस की वेबसाइट को रिसर्च कर रहे होते हैं एक टाइप ऑफ रिसर्च है जिसमें कस्टमर कस्टमर को रिसर्च कर रहा होता है वो शादी वाली एग्जाम्पल जो मैंने दी थी आपको या आप अपनी सेलिब्रिटी को रिसर्च कर रहे होते हैं या आप किसी और बंदे को रिसर्च कर रहे होते हैं कि जिसके बारे में अभी आपने मूवी देखी है थर्ड टाइप ऑफ रिसर्च इज बिजनेस रिसर्चिंग कस्टमर्स बड़ी ही इंपॉर्टेंट कस्टमर रिसर्च है और uh, ये थर्ड फोर्थ मेनली वो रिसर्च हैं कि जो आप एज ए डिजिटल मार्केटिंग कर रहे होंगे कि जिसके अंदर बिजनेस जो है वो दूसरे कस्टमर्स को रिसर्च कर रही होती है जैसे मैंने आपको अभी अमेजोन की एक्जाम्पल दी सारे ब्रांड्स करते हैं अब तो और फोर्थ के ऊपर बिजनेस दूसरे बिजनेसिस के बारे में रिसर्च कर रहे होते हैं अगेन बाई यूजिंग इंटरनेट कि वो क्या कर रहे हैं उन्होंने अलर्ट्स क्या रिसेंट चीज़ें लॉन्च की हैं पिज़्ज़ा हट ने क्या लॉन्च किया है और डोमिनोज कैसे उसको फॉलो करेगा सब्बे किस तरीके से अपनी डील्स को लेकर आता है कितनी रेगुलरली ले, ले आता है ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो एक मीनिंगफुल रिसर्च के अंदर कन्वर्ट करी होती हैं और उसकी बेसिस पर डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं अब इस सब कहानी के अंदर आपका रोल क्या है दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि वट एग्जैक्टली इज़ योर रोल दैट अगर सब कुछ काम इंटरनेट ही कर रहा है तो फिर आपका रोल क्या है आपका रोल है सिर्फ सुनना दोबारा ज़रा गौर से इस बंदे को देखे उसने कपड़े पहने हुए पेंट कोट पहना हुआ है एंड अपेरेंटली ही इज लिस्निंग टू समथिंग व्हाट एग्जैक्टली इज ही लिस्निंग अब डिजिटल जो एक स्पेस है उसके अंदर हम ऑनलाइन लिसनिंग का ये ऑनलाइन मार्केट रिसर्च के लफ्ज़ बहुत यूज़ करते हैं ऑनलाइन लिसनिंग वट इज़ इट मैं अभी आपको स्लाइड पर चल के बताऊँगा लेकिन सबसे पहले हम देख लें कि रोल क्या आपका है कि यू आर हैव टू स्टडी हु कस्टमर्स आर वट आर दे इंटरेस्टेड इन हाउ दे फील अबाउट यू एंड बेस्ट टाइम एंड द बेस्ट टाइम्स इन प्लेसेस टू एंगेज जरा दोबारा वॉर से देखें कौन लोग हैं क्यों इंटरेस्टेड हैं किस चीज में इंटरेस्टेड हैं आपके बारे में क्या फील करते हैं और बेस्ट जगह और बेस्ट टाइम क्या है उनको कॉन्टेक्ट करने के लिए अब बेस्ट जगह और बेस्ट टाइम मैं दुकान की यहां बात नहीं कर रहा मैं बेस्ट वेबसाइट की बात कर रहा हूं बेस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूं और किस टाइम आपने उनको कांटेक्ट करना है फेसबुक पे कब वो अवेलेबल होगा कस्टमर वेबसाइट पे कब अवेलेबल होगा किसी और प्लेटफॉर्म पे कब अवेलेबल होगा इंस्टाग्राम पे कब अवेलेबल होगा ये सारी की सारी चीजें आपने एज एन ऑनलाइन लिसनर या ऑनलाइन मार्केट रिसर्चर फाइंड आउट करनी है जब भी आप किसी कंपनी में जॉब करेंगे तो वहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ऑनलाइन लिस्निंग का और कंपनी आपको करती है कि सारा दिन बैठ के आपने ऑनलाइन लिसनिंग करनी है हमें कंपेरिटर के बारे में बताओ हमें कस्टमर्स के बारे में रेगुलर अपडेट करो तो ये काम आपने करना है सारा दिन इंटरनेट के ऊपर बैठ के आपने रिसर्च करनी है दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल और आजकल के दौर के अंदर इन जॉब्स की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ रही है कि जो ये काम अच्छे तरीके से कर सकते हैं और डाटा को एनालाइज़ कर सकते हैं अब ऑनलाइन लिसनिंग बेसिकली क्या है कि यू फाइंड आउट इफ़ पीपल आर टॉकिंग अबाउट यू स्पेशली स्पेसिफिकली अबाउट योर ब्रांड यू सीक या और दे आर दे टॉकिंग पॉजिटिवली नेगेटिवली आप सेंटीमेंट्स देख रहे होते हैं हम एनालिटिक्स का जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें सेंटिमेंट्स की मैं बहुत डिटेल में बात करूँगा लेकिन यहाँ अगर हम मैं ब्रीफली आपको बताऊँ तो आप ये देख रहे होते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव लोग कैसे आपके बारे में बात कर रहे हैं हाउ डू यू डू इट यू फाइंड इट आउट थ्रू की वर्ड्स आप अपने कुछ वर्ड्स या की वर्ड्स सेलेक्ट कर लेते हैं uh, कुछ की वर्ड्स पॉजिटिव होते हैं कुछ की वर्ड्स नेगेटिव होते हैं उसकी बेसिस पर डाटा कलेक्ट ऑटोमेटिकली आप कर रहे होते हैं ऑटोमेशन कर लेते हैं डाटा कलेक्शन की और जब डाटा कलेक्ट होकर आ जाता है तो आप उसको स्पूल में डाल देते हैं जो पॉजिटिव कमेंट्स होते हैं नेगेटिव कमेंट्स होते हैं हमारे पास कई ऐसे टूल्स मौजूद हैं अब विद द हेल्प ऑफ ए आई विच इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कि जो सारा दिन सारी रात बैठ के आपकी आपके बिहाफ के ऊपर डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं और फिर दिन के टाइम आपको रिपोर्ट जनरेट करके दे देते हैं क्या आपने कल एक ऐड कैंपेन चलाई थी वीडियो की और उसके ये उसके पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हैं ये नेगेटिव सेंटीमेंट्स हैं और हमारी बेसिस के ऊपर ये फाइनल डिसीजन है कि इफ दैट कैंपेन इज़ सक्सेसफुल और नॉट एंड दैट इज़ वाई कंपनीज़ दे यूज़ ऑनलाइन लिस्टिंग आप पीपल सर्च फॉर ब्रांड ब्रांडेम जाहिर सी बात है कीवर्ड्स के अंदर ब्रांड नेम डाल सकते हैं प्रोडक्ट्स के बारे में सर्च करते हैं कैंपेन्स के बारे में सर्च करते हैं कॉन्फ्रेंसिज़ हैं वेबसाइट बेतहाशा की हैं जो आप डाल सकते हैं और एज ए मार्केटियर ये आपने डिसाइड करना है कि कौन से कीवर्ड्स हैं जो आप यूज़ कर रहे हैं हमारे पास जो सबसे बेसिक टूल्स हैं जो यूज़ होते हैं वो गूगल के हैं विच इज़ वन इज़ कॉल्ड गूगल अलर्ट द सेकंड वन इज़ कॉल्ड गूगल वीडियो सर्च वीडियो सर्च एज द नेम सजेस्ट इट इज़ बेसिकली यूज फॉर वीडियो टाइप ऑफ कीवर्ड सर्च गूगल अलर्ट मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ इट इज़ एक्चुअली ए प्लेटफॉर्म विच सेंड यू एन ई मेल वन द कीवर्ड विच यू यू वॉन्ट इज़ यूज इधर इन ए करेडिबल न्यूज़ आइटम और अ ब्लॉग पोस्ट तो जैसी वो कीवर्ड आपने फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अपने ब्रांड का कीवर्ड के ऊपर अलर्ट लगाई हुई तो जैसी वो कीवर्ड कोई बंदा किसी भी जगह पे गूगल के प्लेटफॉर्म पे यूज़ करता है किसी वेबसाइट पर यूज़ करता है तो एकदम आपको अलर्ट आ जाती पे, किस बंदे है ई मेल पर किसी ने ये वाला की यूज़ किया आप अपने नाम पर भी की लगा सकते हैं अगर आपने अपने नाम के बारे में देखना है कि जी कितने लोग आपको सर्च कर रहे हैं आप, तो आप अपने नाम पर भी की लगा सकते और आप देख सकते हैं कि आपका नाम किस किस जगह के ऊपर पॉपअप हो रहा है और आपको ई मेल्स रिसीव हो रही होती हैं अगर मैं क्विकली आपको स्क्रीन शॉट दिखाऊँ जिसके मी वन सेकेंड कि किस तरीके से गूगल अलर्ट के ऊपर आपने उसको यूज़ करना इट्स अ वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग यू जस्ट टाइप गूगल अलर्ट इन सर्च बॉक्स और आपको टॉप के ऊपर ही नज़र आ जाएगा राइट right साइड के ऊपर गूगल अलर्ट चीज़ क्या है वही चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई है uh, और सेकेंड के ऊपर पहला है लिंक है गूगल अलर्ट का उस पर आप क्लिक करें क्लिक करें तो वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्लेटफार्म तो यू क्रिएट एन अलर्ट अबाउट लेट्स से आई विल यूज माय नेम यासिर रशीद और व्हेन आई क्लिक ऑन इट सो फॉर लुक देयर आर नो रीसेंट रिजल्ट्स व्हिच मींस समवन हैज नॉट सैडली हैज रिसर्च अबाउट मी ऑन गूगल प्लेटफॉर्म न्यूज़ के अंदर कोई शेफिल मर्डर्स हैं आई सर्टेनली डू नॉट बिलोंग फ्रॉम देयर बट हिज नेम इज आल्सो यासिर रशीद बट वेब के ऊपर अगर आप देखें तो जो टॉप के हिट्स आ रही हैं जो रीसेंट हिट्स हैं वो सारी हिट्स रिलेटेड हैं uh, मेरे से ये मेरा नाम है दीज हिट्स आर रिलेटेड विद मी तो आप इन हिट्स के ऊपर क्लिक कर सकते हैं आप देख सकते हैं अब यहीं अगर आप ब्रांड का नाम यूज़ करेंगे तो ब्रांड के नाम के अंदर जो है फॉर uh, एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ लेट्स सी इफ़ देयर इज एनी हिट ऑन दैट कोक स्टूडियो इज़ वन ऑफ ए वेरी नोन थिंग टू मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ जब आप कोक स्टूडियो पर क्लिक करते हो तो देन यू कैन सी कि न्यूज़ में कोक स्टूडियो के अंदर क्या न्यूज़ आई हुई हैं और यहाँ भी फिलहाल वो ही दिखा रहा है वो ऑप्शन पर भी आप देख सकते हैं क्या क्या ऑप्शन रीजनज हैं सेलेक्ट कर सकते हैं सोर्सेज ऑटोमेटिकली है तो इट इज़ ए स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप ऑफ टूल आई एम नॉट सेंइंग इट इज़ ए वेरी सोफिस्टिकेटेड टूल लेकिन जब सेठ साहब आपको पैसे नहीं दे रहे हो फ्री में आपने काम करना है तो यू कैन यूज़ इट फॉर अलर्ट्स इसके अलावा और कौन कौन से अच्छे टूल हैं उसके बारे में आप कमेंट्स में भी लिखें ताकि दूसरे लोगों को फ़ायदा हो uh, लेकिन आईव यूज़ गूगल एट्स अलॉट और एट टाइम्स इट हेल्प्स यू अब अगर आप यहाँ नोट करें तो uh, ये कोक फेस्ट ट्वेंटी ट्वेंटी जो है उसके बारे में जो क्योंकि दैट्स वन ऑफ द मोस्ट रिसेंट न्यूज़ रिगार्डिंग कोक स्टूडियो तो उसके बारे में जो रिसेंट जो न्यूज़ है uh, वो शेयर कर रहा है सिर्फ तो आपने देखना है कि uh, आप इसको डिफरेंट उसके अंदर कर सकते हैं जैसे अगर आप ऑल रिजल्ट्स के ऊपर सेलेक्ट कर लेंगे तो वो आपको सारे के सारे रिजल्ट्स रिगार्डिंग कोक स्टूडियो कर लेगा लेकिन अगर आप सिर्फ रिसेंट के अंदर या बेस्ट रिजल्ट्स में ही इंटरेस्टेड हैं तो यही दो न्यूज़ आई क्योंकि कोक स्टूडियो इस टाइम ऑनलाइन नहीं है या उनका कोई रीसेंट सीज़न नहीं आया तो इस वजह से रिगार्डिंग वेब और कोई सर्च जो है वो अभी नहीं आ रही तो इसको अपने तौर के ऊपर जरा करें अलर्ट्स लगाएँ देखें कितना ये सक्सेसफुल है कितना पावरफुल है और उसको अगर आप यूज़ करना चाहते हैं अपनी रोज़मर्रा जिंदगी के अंदर तो यू कैन सर्टनली यूज़ इट इसी तरीके से वीडियो रिसर्च भी है और आप उसको भी देख सकते हैं कि वीडियो सर्च जो है उसको किस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं अब तो अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं जहाँ सेठ साहब मान गए हैं वो कहते हैं चलो मैं आपको बजट देता हूँ ऑनलाइन रिसर्च के लिए तो आप दे डिफरेंट टूल्स आउट देर अपने तौर पे सर्च करें उनको जो पेड टूल्स हैं अच्छे टूल्स हैं ए आई बेस्ड टूल्स हैं ब्रांड आई के नाम से ब्रेंड आई के नाम से एक टूल है कि जो काफ़ी पॉपुलर uh, भी है यूज़ भी होता है आप इनकी वेबसाइट के ऊपर जाएँ और जो इनकी इंट्रोडक्ट्री वीडियो है उसको अपने तौर के ऊपर देखें और समझें कि ये क्या काम कर रहे हैं उनकी वेबसाइट को भी विजिट करें गौर से देखें समझने की ज़रूरत है कि वट एग्जैक्टली आर दे डूइंग इट और हाउ आर दे हेल्पिंग प्लेंटी ऑफ ब्रांड्स ओवरसीज़ एंड इन एशिया इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट रिजल्ट विच दे वॉन्ट उनके जब आप वेबसाइट पर जाएंगे तो राइट साइड के ऊपर टॉप के ऊपर ही उनकी इंट्रोडक्टरी वीडियो है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू वॉच एंड वेरी नाइस वीडियो टू वॉच जो जस्टिफिकेशंस हैं ऑफकोर्स जिससे मैं पहले भी बात कर चुका हूँ वो एक तो कस्टमर इनसाइट्स के बारे में पता आपको लग रहा होता है आपको चेंजेज़ के बारे में इंडस्ट्री के अंदर पता लग रहा होता है न्यू सोशल ट्रेंड्स के बारे में पता लग रहा होता है न्यू प्रोडक्ट इंड सेल्स रेवन्यूज के बारे में पता लग रहा होता है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यू फाइंड न्यू ऑडियंस वाई यू आर डूइंग ऑनलाइन लिस एंड दैट न्यू ऑडियंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर आई फिनिश अप द लेक्चर एक क्वेश्चन जो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि ये आपने कोई के एक लेक्चर हमें दे दिया रिसर्च के बारे में जाहिर सी बात है माई ऑब्जेक्टिव वॉज नॉट टू टेल यू के वट आर द बेसिक्स ऑफ रिसर्च और किस तरीके से आपने करनी है इट वज़ जस्ट एन ओवर व्यू कि ऑनलाइन लिसनिंग क्या है किस तरीके से आपको हेल्प करती है लेकिन डाटा की पावर क्या है दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या आप समझते भी हैं कि डाटा की कोई पावर है या आप कहते हैं कि जी डाटा की कोई पावर नहीं है और मुझे ये काम करने की ज़रूरत ही नहीं है तो आइए मैं ज़रा आपको एक वीडियो दिखाता हूँ और इस वीडियो को जरा गौर से देखें और उसके बाद मुझे बताएं कमेंट्स में लिखें और सोचें सबसे इम्पोर्टेंट बात कि खुद सोचें कि इस वीडियो को देखने के बाद वट डू यू थिंक हाउ पावरफुल डाटा इज यू आर सिटिंग इन यूनाइटेड स्टेट्स You've probably never used a Chinese app, but the reality is if you want to know how the internet will develop, China, the land once known for its cheap rip-offs, has actually become a guide to the future. You know, the internet is the internet, but for China the internet is more like an intranet. It's largely walled off from the western world by this incredibly complex system of filters and blocks that we call the Great Firewall. And basically the Great Firewall blocks any foreign site the Communist Party doesn't think it can control. So that means there is no Facebook, no Twitter, no Google. Instead, what filled the internet vacuum was a generation of Chinese copycats that have grown into huge companies. So for Google, you had Baidu. For YouTube, you had Yoku. For Twitter, you had Sina Weibo, and the list goes on and on. It's almost as if the Chinese internet is a lagoon as an aside to the greater ocean of the internet. And in that lagoon, there are these swamp monster apps that bear some resemblance to the creatures in the ocean, but are mutated in some ways because they evolved in a different kind of environment. But things have started to shift in the sense that before, no one outside of the lagoon really cared about the swamp monsters. But now, all of a sudden, some of the features they've developed are so amazing that Western apps are trying to copy them. And the greatest example of this is WeChat. WeChat is an example of, uh, for lack of a better word, a super app. It's a Swiss army knife that basically does everything for you. It's your WhatsApp, Facebook, Skype, and Uber. It's your Amazon, Instagram, Venmo, and Tinder. But it's other things we don't even have apps for. There are hospitals that have built out whole appointment booking systems. There are investment services. There are even heat maps that show how crowded a place is, be it your favorite shopping mall or a popular tourist site. The list of services goes on basically forever. But it's not the variety of things you can do on WeChat that makes it so powerful. It's the fact that they're all in one app. So why does that matter? Hypothetically, imagine you're sitting at home and one day you notice your corgi is dirty. You open WeChat, hit a few buttons, and a few hours later, a man shows up at your door with some shampoo and a big vacuum. Your dog gets cleaned and he looks great. You take a photo, you share it with your friends, and tag the dog cleaning business. You haven't left the app. Your friend who likes Hello Kitty and works a boring office job is slacking off at work and looking at WeChat. She sees the photo of your clean corgi. She decides she wants her poodle clean. She clicks the tag on your photo and orders the same service. Within seconds, the man with the big vacuum is on his way to her house. She pays him, and he's happy because he got paid instantly on WeChat. She starts chatting with you to thank you. Neither of you have left the app. While chatting, she tells you about a new hip noodle joint. She says, You have to come. It's a schlep, but you accept. She orders food while still at her desk. You order a taxi. She pays for the food. On the way to her house, the man with the big vacuum invests the money he earned from both of you into a wealth management product that's probably a little too risky. Neither of you nor the man with the big vacuum have left the app. Both of you arrive, and the app tells the kitchen you're there. Your WeChat profile photo pops up on the wall. It's an old photo from the year you had that weird part in your hair. Of course, she makes a comment. Your food is served. You notice your meat is a bit overcooked, so you snap a photo and post a disparaging restaurant review. You're already on your phone, and you remember you still owe your friend money because she paid. You transfer her money. Neither of you, the man with the big vacuum, nor the restaurant have left the app. At the restaurant, there are no menus, there are no waiters, there is no cashier, there is only WeChat. By rolling so many functions into one single app, it's altered the concept of virality. It's no longer just videos or images or tweets that can go viral. It's a dog washer, noodles, all sorts of companies and products that get the push of a social network. Here in China, that network is 700 million people. Sounds great, right? Well, it is. But using a single app to find a date, schedule an oil change, or notarize a document also enables WeChat to collect a staggering volume of personal data. They know what you talk about, who you talk about it with, what you read, where you go, why you're going there, who's there, how you spend money when you're online, how you spend money when you're offline. The list goes on indefinitely. For advertisers, this is a miracle it's the combined data of facebook amazon google and paypal all in one place the problem is all of the data is information chinese companies are forced to share with the chinese government which has a long record of human rights violations and isn't exactly shy about stalking its citizens so if you're not in china why does this matter it matters because we're starting to see a number of western tech companies attempt to replicate super apps like wechat for the companies, it's incredibly powerful. And for you and me, it's a convenient and even transformative technology. But of course, it could also be problematic. Concentrating so much data in so few hands could lay the groundwork for an Orwellian world where companies and governments can track every single movement you make.